अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर की रेसिपी जो शादियों में बनती है, जिसके अंदर मोटे मोटे से चावल आते हैं। अलग सा टेस्ट हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। बहुत मज़े की क्रीमी, आप इसका खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी जैसी हमारी ये खीर बन के रेडी हुई है। और आप भी अगर मेरे टिप्स के साथ बनाएंगे तो बहुत आपकी जो खीर है, आप सिंपल वाली खीर बनाना और खाना भूल जाएंगे। अगर आपने ये वाली खीर एक बार अपने घर में ट्राई कर ली, आपके फैमिली मेम्बर भी इसको डिमांड पे बनवाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिलीव मी ये इतनी अच्छी बनती है कि आप बाकी जो खीर जितनी भी तरह की बनती है उनका टेस्ट भूल जाएंगे इसके सामने। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी खीर बनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2.5 किलो दूध लिया है और ये फुल क्रीम है, इसके अंदर हमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। और सबसे पहले हम इसके अंदर एक बॉईल लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ढक देते हैं। देखिए, ये मैंने आधा कप कच्ची बासमती जो चावल आते हैं अच्छे वाले वो लिए हैं, और इनको 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अभी हमारे जो चावल हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, हमें करना क्या है, हमें अगर शादियों वाली जो खीर हम खाते हैं अगर वही बनानी है तो ये कच्ची बासमती के चावल ही लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इन चावलों को अच्छे से भिगोना है और इनको हमें मिक्सी वगैरह में नहीं चलाना है, हमें सिर्फ इनको हाथों से इस तरह से चूरा करना है, इनका बिल्कुल क्रश कर देना है। देखिए, इस तरह से दबा दबा के, और जब ये फूल जाते हैं तो बहुत आसानी से ये टूट भी जाते हैं, इस तरह से हमें इनका चूरा बनाना है। देखिए, इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमने इनका चूरा बना लिया है और काफ़ी बारीक हो गए हैं। बस हमें इसी तरह से इनको करना है, ये देखिए। तब तक जब तक हमारे दूध में बॉयल आता है, हम अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। ये देखिए, दूध में हमारे बॉयल आ चुका है, अच्छे से पक रहा है अब ये। तो अब इस पॉइंट पे हम अपने चावल हैं, देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमने इनको क्रश कर दिया है, चूरा बना दिया है बिल्कुल, इनको ऐड कर देंगे। और हमें करना कुछ नहीं है, हमने चावल डाल दिए हैं। और देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं, ये 2 छुआरे हैं, इनको मैंने भिगो दिया था, बारीक बारीक कट किया है, पिस्ता, बादाम और काजू। मैं पिस्ता छोड़ के इन तीनों चीज़ों को धो के लाती हूँ तब ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी निकलती है। ड्राई फ्रूट्स मैं धो के ले आई हूँ, अब इसको ऐड कर देंगे। छुआरे डालने से हमारी जो खीर है उसके अंदर गाढ़ापन भी आता है और एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर दीजिए। अब मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाऊंगी, उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। और एक टॉप सीक्रेट चीज़ है जो हम बाद में इसके अंदर डालेंगे, जिसके वजह से ये बिल्कुल शादी वाली खीर हमारी बनके रेडी होगी। पिस्ते मैं आधे डाल देती हूँ और आधे बचा लूँगी थोड़े को गार्निश करने के लिए। बस अब हम इन सारी चीज़ों को ढक के पकाएंगे जब तक हमारे चावल जो हैं बिल्कुल गल नहीं जाते, और ये बहुत प्यारी क्रीमी क्रीमी सी हमारी जो खीर है बनके रेडी होती है। बीच बीच में चलाते रहिएगा, मिलते हैं जब चावल गल जाएंगे उसके बाद। देखिए, काफ़ी अच्छे से पक रहे हैं हमारे चावल। और अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। अभी चावल हमारे अच्छे से गले नहीं हैं, घुटे नहीं हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो बहुत अच्छे से पक के आती हैं। ये मैंने चीनी ली है 1.5 कप। देखिए, मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन खीर वगैरह में थोड़ा सा मतलब मीठा ठीक ही अच्छा लगता है, फीकी फीकी सी अच्छी नहीं लगती है। और अब ये देखिए, यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, और ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर लिया है। इसको आप पानी या दूध में घोल के अपने दूध के अंदर ऐड करेंगे। यही एक टॉप सीक्रेट है हमारी खीर का, ट्विस्ट है, बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर और कलर टेक्सचर आएगा इसको डालने से। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पकाएंगे तो इसके अंदर एक क्रीमीनेस आएगा हमारी खीर के अंदर। और अब मैं अपनी फ्लेम को लो कर देती हूँ, धीरे धीरे हम इसको पकाएंगे और इसके अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करके गलाएंगे, बहुत मज़े की हमारी खीर बनेगी। देखिए, मैंने अपना कस्टर्ड पाउडर जो है घोल लिया है, अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करूँगी और अब हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छे से। इसका कच्चापन भी अभी, खैर हमारी जो खीर है वो भी मतलब अभी नहीं पकी है, काफ़ी टाइम लेगी, चावल अभी हमारे पूरी तरह से घुटे नहीं हैं,
थोड़े से दिखते हुए भी आते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है हमें बिल्कुल घोटने हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट और चिकनी चिकनी सी जब हमारी खीर बन जाएगी तब समझिए कि हमारी खीर रेडी है। चलिए थोड़ी देर इसको और ढक के पकाएंगे। करीब एक घंटा हो चुका है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने अपनी खीर को पकाया है और देखिए काफ़ी कम भी हो गई है। और मैं अब आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी। पहले ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी हमारी ये खीर बनी है। और ये देखिए चावल पूरे फूल चुके हैं और बीच बीच में हमने इनको ऐसे चलाया है और जितने घोट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चावल को बस हल्का सा मैश कर दीजिए क्योंकि ये जो हमारी खीर है इसके अंदर चावल इसी तरह से दिखाई देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि गल गए हैं या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये जो हमारी खीर है इसी तरह से इसके अंदर चावल होते हैं। हम इसको वरना पीस कर भी डाल सकते थे। बस हमारी जो खीर है ये रेडी है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत शानदार सी क्रीमी क्रीमी हमारी जो खीर है बनके रेडी है। अभी मैं इसको पहले अपने रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे इसको रख के इसको ठंडा करूँगी। उसके बाद हम इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे क्योंकि ये वाली जो खीर है गर्म अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर जब ठंडी हो जाती है और जब हम उसके बाद उसको सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट इतना औसम होता है कि आप जो सिंपल वाली खीर है वो सच में खाना भूल जाएंगे। चलिए हम इसको ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए कितनी चिकनी चिकनी स्मूथ और कितनी प्यारी रबड़ी जैसी हमारी ये खीर बनके रेडी हुई है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए, यकीन मानिए आप एक बार इस खीर को बना के देखिएगा, आपके बच्चे डिमांड पे इस खीर को बनवाएंगे और खाएंगे। वो सिल्की बहुत, इसके अंदर फ्लेवर इतना अच्छा आता है, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस इसका एक यही है कि आप इसको ठंडा करके ही सर्व करें, गरम गरम इसे नहीं खाना है। ये देखिए हमारी जो क्रीमी क्रीमी सी खीर बन के रेडी है। हमने इसको बिल्कुल चिल किया है, ठंडी है इस वक्त बिल्कुल। थोड़े से पिस्ते इसके ऊपर डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए। और देखिए बहुत प्यारी सी खीर हमारी बनके रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।